सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के छात्रों पुनः हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लगातार वीडियो के माध्यम से हमारा कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुनः एक कहानी पढ़ेंगे, आरोह भाग 2 से पहलवान की ढोलक। इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म सन 1921 और इनका जीवन सफर 1977 में खत्म हुआ। इन्होंने विशेषकर अंचल से गाँव में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को, उनकी रहन सहन, उनकी बोली, उस पर विशेष अध्ययन कर एक आंचलिक कथाकार के रूप में, एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके रचनाओं में मैला आंचल जो उपन्यास है वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, उपन्यास मेला आंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कहानी ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। स्मरण भी वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत। इसके साथ ही और भी अनेक लेखन कार्य किए हैं इन्होंने, लेकिन विशेष रूप से इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान है वो आंचलिक कथाकार के रूप में है। प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक लोक कला को याद दिलाती है। इस कहानी के अंतर्गत राजसत्ता का परिवर्तन होने के साथ साथ कलाओं को भी अप्रासंगिक कर दिया है। सामाजिक परिवर्तन भी लोक कलाओं को नीचे ला देता है, हम कह सकते हैं कि उनको भुला देते हैं। उनकी स्थितियां, जैसे उनकी ठेस कहानी में भी एक बहुत बढ़िया कारीगर है, कलाकार है, जो बहुत सारी वस्तुएं जानता है, लेकिन आधुनिक समय में मशीनरी, जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा, शहरीकरण हुआ, वैसे वैसे गाँव के जो हाथकरघा, हाथ से बनाने वाली विभिन्न वस्तुएं, उनको धीरे धीरे उनकी जगह मशीनों ने ले लिया। यहाँ पर भी जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे कलाकारों की अपनी जो छवि वो धूमिल होती जा रही है। यहाँ पहलवान की ढोलक के माध्यम से भी पहलवान लुट्टन सिंह नाम है, वो ढोलक का गुरु मानकर कुश्ती के दांव पेच लड़ता है, लेकिन राजा की मृत्यु होने के बाद राजकुमार जब सत्ता संभालता है तो उसे घोड़ों की रेस में दिलचस्पी है और इसीलिए पहलवान को हटा देते हैं या उनके राज दरबार से हटा देते हैं। इसलिए उनका जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है। दूसरी स्थिति इसमें बताई है महामारी की भयावह स्थिति। हैजा और मलेरिया महामारी गांव में फैली है और आर्थिक संकट भी उन पर गहराया हुआ है, इसीलिए अपना इलाज करने में अक्षम लोग गांव में धीरे धीरे, एक दिन में दो दो तीन तीन लाशें गिरती है। ऐसे में पहलवान अपनी ढोलक बजाकर उनकी जिजीविषा बढ़ाता है, जीने की इच्छा बढ़ाता है, लेकिन अंत में उसकी भी इस महामारी में मृत्यु हो जाती है। तो कहानी को हम विभिन्न पॉइंट के आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले
महामारी की भयावह स्थिति, महामारी की भयावह स्थिति से कहानी को प्रारंभ कर महामारी की भयावह स्थिति पर ही खत्म किया है, और साथ में पहलवान लुट्टन सिंह का जो कुश्ती आज हम देखें, कुश्ती कबड्डी ये जो लोक कलाओं के वास्तव में हम कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय या गांवों में विशेष करके खेले जाने वाले खेल, वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। इसका कारण क्रिकेट, जिम्नास्टिक या और अन्य फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये इन खेलों के कारण इनकी तरफ ध्यान कम हो गया है, और इसीलिए उनकी जो कुश्ती वगैरह की जो कला है वो धीरे धीरे खत्म हुई है। इसका उद्देश्य भी कहानी का यही है कि शासन द्वारा इन खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए, नवयुवकों को इन खेलों से के बारे में प्रोत्साहित किया जाए ताकि यह खेल, यह कला धूमिल न हो। तो हम शुरू करते हैं पहले महामारी की भयावह स्थिति। गांव में हैजा और मलेरिया महामारी का रूप धारण कर लिया है, और हर दिन लाशें गिरती जाती है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके भोजन की तो व्यवस्था दो टाइम ढंग से खा नहीं सकते, कफन कहाँ से खरीदे। इसीलिए कफन के बिना वह नदी में लाशें बहा देते हैं। इस स्थिति को हम समझे, विशेषकर गांव की स्थिति, बच्चों के रोने की यदा कदा आवाज आती है रात को, बाकी दूसरों में इतनी ताकत नहीं है कि वह आपस में बात करें। रात्रि का सन्नाटा बहुत भयावह स्थिति पैदा करता है। रात्रि में जंगली जानवरों की आवाज़ गूंजती है, इंसानों की आवाज़ बिल्कुल नदारद है। यह स्थिति शुरुआत की है कहानी की। हम कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह की ओर जाते हैं। लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में यह कहानी है, इसीलिए इसका शीर्षक भी पहलवान की ढोलक रखा है। लुट्टन सिंह का बचपन अभावों में बीता है। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उसकी सास उसका लालन पालन करती है। लुट्टन सिंह बचपन से ही गाय चराता, उनका धारोष्ण दूध बोलेंगे पीता है, साथ में कसरत का भी उसे शौक है, और उसका मुख्य कारण है उसकी सास के साथ गांव वालों का दुर्व्यवहार। वह देखता है बचपन से कि उसकी सास के साथ गांव वाले, समाज वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और इसीलिए बदला लेने की इच्छा से कसरत करते हुए वह एक पहलवान बन जाता है। आगे हम देखते हैं पहलवान लुट्टन सिंह की चांद सिंह पर विजय। चांद सिंह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान है जिनकी धाक है पूरे श्यामनगर। श्यामानंद राजा भी उसे बहुत चाहते हैं, और राजा उनकी प्रसिद्धि के कारण उसे राज दरबार में राज पहलवान बनाने की सोच रहे थे। लेकिन एक बार जब कुश्ती हो रही थी, उस समय हमारे लुट्टन सिंह भी वहाँ पर उस कुश्ती के आयोजन को देखकर ढोलक की आवाज़ से उत्साहित होकर उस चांद सिंह, जिसको शेर का बच्चा की उपाधि दे रखी थी, उसे ललकारता है, चुनौती देता है। जब वह चुनौती देता है तो अन्य गांव वाले या दर्शक सभी उसे पागल समझते हैं कि इतना बड़ा
पहलवान जिसको शेर का बच्चे की उपाधि दे रखी है उसे यह ललकार रहा है, उसको तो शायद बहुत कम समय में ही वो हरा देंगे। लेकिन राजा श्यामानंद की अनुमति लेकर जब लुटन सिंह ने चांद सिंह के साथ कुश्ती की तो वह अपने गुरु ढोलक को वह गुरु मानता है। ढोलक की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसका गुरु उसे दांव लगाने या दांव से निकलने के बोल बोल रहा है। ढोलक की जो आवाज़ आती है वो उनके लिए एक निर्देश है, बोल है, और उसी ढोलक की आवाज़ से वह चांद सिंह के दांव को काटता है और उसे चित कर देता है, हरा देता है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ढोलक की आवाज़ से उत्साहित होकर वह जोश में राजा को भी अपनी गोदी में बच्चों की तरह उठा लेते हैं। उस कुश्ती के बाद राजा ने उससे प्रभावित होकर अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार में राज पहलवान के रूप में हम देखते हैं आगे कि राज दरबार में पहलवान लुटन सिंह। लुटन सिंह को राज पहलवान का दर्जा राजा के द्वारा मिला। उसका जीवन बहुत अच्छी तरह हंसी खुशी बीतने लगा। लुटन सिंह के एक चरित्र को अगर हम देखें, एक साहस तो है, ताकत है, साथ में दिल उसका एक बच्चे जैसा है। वह बच्चों के जो रंगीन चश्मे वगैरह रहते हैं वो भी रंगीन चश्मा पहनकर मदमस्त हाथी की तरह घूमता रहता है इधर उधर। काला खां एक और पहलवान, प्रसिद्ध पहलवान, जिसको हराकर पूरे राज्य में उन्होंने लुटन सिंह ने धूम मचा दी थी और उसके बाद उसके मुकाबले का कोई पहलवान नहीं था। इसीलिए राजा ने भी उसे अन्य दूसरों से लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी, मना कर दिया। वह भी केवल अपने कसरत करता, इधर उधर घूमता, मदमस्त हाथी की तरह घूमता रहता। ढोलक की आवाज़ जहाँ भी होती उसे पुनः कुश्ती लड़ने के लिए वह प्रेरित करते हुए प्रतीत होती है। लेकिन राजा की अनुमति नहीं है इसीलिए वह कुश्ती नहीं करता है। उसके दो बेटे, पहलवान लुटन सिंह के दो बेटे भी अपने पिता के सानिध्य में पहलवानी करते हैं, कसरत करते हैं और वे भी बहुत एक सुडौल शरीर के मालिक हो जाते हैं। राजा ने भी घोषणा की कि दोनों, इनके दोनों बेटे भविष्य में राज दरबार में राज पहलवान होंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद उनकी ये आकांक्षाएं, इच्छा धरी की धरी रह जाती है। वास्तव में इस पॉइंट पर हम खास मनन चिंतन करें, सत्ता और शासन का परिवर्तन, सत्ता और शासन का जब जब परिवर्तन हुआ है लोक कलाएं धूमिल हुई है। राजा को कुश्ती पसंद थी इसीलिए वह राज दरबार में लुटन सिंह को, उनके बेटों को पहलवान बनाकर रखता है, उसका पालन पोषण करता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जब राजा की मृत्यु होगी, विलायत में रहने वाले राजकुमार ने सत्ता संभाली। राजकुमार को पहलवानी का शौक नहीं था, उसे घोड़सवारी, घोड़े की रेस, सो इसीलिए उसने देखा कि पहलवानों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन्हें राज दरबार से हटा दिया जाता है। किसी भी कलाकार को यदि उस कला से वंचित कर दिया जाए तो निश्चित है उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है।
यहाँ पर भी पहलवान लुट्टन सिंह को जब राजकुमार ने अपने राजदरबार से पहलवानी से हटा दिया, तब वह पुनः गांव में जाता है। गांव के कुछ बच्चों को वह पहलवानी के दांव पेच सिखाकर अपनी दिनचर्या चलाता है, लेकिन गांव वालों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह पहलवान का भरण पोषण कर सके। इसलिए पहलवान और उनके दो बेटे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। पहलवान लुट्टन सिंह का अंतिम समय, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया था कि महामारी के भयावह स्थिति से यह कहानी प्रारंभ होती है और अंत में भी महामारी के उस प्रकोप को बताया गया है। पहलवान लुट्टन सिंह गांव में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे, उस समय ये महामारी फैली, मलेरिया और हैजा। गांव से हर दिन दो दो तीन तीन लाशें गिरने लगी। कफन का इंतज़ाम न होने के कारण उसे नदी में बहा दिया जाता था। लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी। इस दयनीय स्थिति में जीने की इच्छा बढ़ाने के लिए, गांव के लोगों में जिजीविषा बढ़ाने के लिए पहलवान लगातार ढोलक बजाता है। ढोलक की आवाज़ जब रात को जब ढोलक बजाता है, गांव वाले उसे सुनते हैं और सुनकर उसे लगता है कि कोई तो है, और इसी से उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई तो है, उनसे उनके जीने की आकांक्षा बढ़ती है। इस प्रकार पहलवान ढोलक बजाकर लोगों की जीने की इच्छा या जिजीविषा बढ़ाता है। परंतु एक रात उनके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। पहलवान उन दोनों पुत्रों को शवों को उठाकर नदी में बहा कर आ जाता है। ऐसी स्थिति में गांव वालों की हिम्मत भी टूट जाती है। अस्तों में एक व्यक्ति विशेष जो साहस बढ़ा रहा है, उत्साह बढ़ाता है, उसी के घर में अगर इस प्रकार का शोक हो तो निश्चित है कि दूसरों की जो साहस है, दूसरों की हिम्मत है टूट जाएगी, गांव वालों की हिम्मत भी टूटती है। लेकिन फिर भी पहलवान रात्रि में निरंतर ढोलक बजाता है, जिससे लोगों को साहस मिले, उसको जीने की इच्छा हो। लेकिन एक रात जब ढोलक की आवाज़ नहीं आती है, तो कुछ शिष्य जिन्होंने लुट्टन सिंह ने जिनको पहलवानी के गुर सिखाए थे, वे जाते हैं और देखते हैं कि पहलवान लुट्टन सिंह जमीन पर औंधे चित पड़े हैं। पहलवान की अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरे मर जाने के बाद मुझे चिता पर उल्टा लेटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ। यहाँ चित से मतलब कभी हारा नहीं, वह पीठ के बल कभी नहीं गिरा। उन्होंने बहुत सारे पहलवानों को पीठ के बल गिराकर चित किया, और इसीलिए उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मैं भी जब मर जाऊँ तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल लेटाया जाए। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाता है। वास्तव में इस कहानी का संदेश हम यही पाते हैं कि आधुनिक युग में धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। शासन से, सरकार से अगर सरकार इसका साथ दे और नवयुवकों को प्रोत्साहित करे, यहाँ पर भी विद्यालय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर यदि सरकार उनको प्रोत्साहित करती है, तो निश्चित रूप से
यह खेल, यह कला निश्चित रूप से बच सकती है। धन्यवाद।